दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे मल्टीबैगर शेयर की, जिसके अंदर अगर आप चार्ट को देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग 238% तक के रिटर्न इस शेयर ने जनरेट करके दिखाए हैं एक साल के अंदर। और वहीं अगर इसके हाई की बात करें तो इसने हाई लगभग 400 रुपये का बनाया है। नियर बाई 400 रुपये के हाई के बाद ये टूटता हुआ आज की डेट में 315 पर ये बंद हो रहा है। और अगर एयरटेल डेट की बात करें तो इस शेयर के अंदर कोई बड़ी मजबूती आती हुई नहीं नज़र आ रही है। हालांकि इसने जो हाई बनाया वो जनवरी के महीने में 17 तारीख को 400 रुपये और 15 पैसे का हाई है। और उसके बाद से कंटिन्यूसली आप अच्छी तरीके से जानते हैं मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव की इस स्थिति के अंदर इस शेयर के अंदर मजबूती तो बहुत आई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेयर ने अभी पूरी की पूरी ग्रिप पकड़ी नहीं है। और हालांकि इस शेयर का अकेला ऐसा हाल नहीं है, ऐसा मार्केट के अंदर आप सभी शेयरों को देख सकते हैं कि जो मजबूती 14 जनवरी और 7 जनवरी तक थी, उसके बाद से अभी भी मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं शेयर की बात करूं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस शेयर के अगर फंडामेंटल की बात करें तो काफ़ी बढ़िया मजबूती के साथ इस शेयर के अंदर अभी भी खरीदारी की सलाह दी जाती है। लगभग काफ़ी अच्छे प्राइस के लिए इसके अंदर अभी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इसके साथ साथ एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस हिसाब से भागती हुई नज़र आ रही है। लिमिटेड, ये एक तरीके से आप देखें तो टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। कंपनी को काफ़ी अच्छा अनुभव है, कंपनी बहुत बढ़िया अनुभव के साथ मार्केट के अंदर है। लगभग 1985 से ये कंपनी मार्केट के अंदर है और इसका जो मेजरली बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ द एंड होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट आइटम, जिसके अंदर बाथ मैट्स, रग्स, ब्लैंकेट, थ्रोस, कुशन्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी बनाती है और उसको एक्सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। अगर लोकेशन के हिसाब से इसको देखें तो USA, UK और यूरोप, यानी कि पूरे पश्चिमी देशों को ये अपना माल सप्लाई करते हुए मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा पैसा बनाती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि पिछले 1-2 सालों के अंदर अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न को दिखाने की कोशिश करूं तो आप सरप्राइज़ हो जाएंगे इतने बढ़िया रिटर्न इस शेयर ने जनरेट करते हुए दिखाए हैं। डेफिनेटली 27 रुपये से 2020 की उस मार्केट के अंदर जब कोरोना वायरस से पूरी की पूरी मार्केट नीचे गिरी हुई थी, उस समय इस कंपनी का शेयर लगभग 27 रुपये पर था। और उसके बाद कंटिन्यूसली इस शेयर ने अपना जो दम भरा है ना, उससे आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी ऊपर की तरफ भागती हुई नज़र आ रही है। कंपनी की फेस वैल्यू इस समय लगभग 10 रुपये की है। मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी की मार्केट कैप 750 करोड़ से ऊपर की है। 88 रुपये इसका लो है और 413 रुपये इसका हाई है। तो कंपेयर कर सकते हैं कि किस हिसाब से इसने मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करते हुए, अगर 27 रुपये की जो मैं बात कर रहा था वहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 27 रुपये का शेयर 413 रुपये का हाई बनाता है। उसका रीज़न यही है कि इस शेयर के अंदर जो मजबूत फंडामेंटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए किस हिसाब से ये कंपनी 2019 के अंदर अगर आप देखें प्राइस के हिसाब से तो 34, 35 और 27 रुपये पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और वहाँ से इस शेयर ने जो मजबूती भरी हुई है उसको आप इस चार्ट के रूप में देख सकते हैं, किस हिसाब से रॉकेट बनता हुआ ये चार्ट दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि ऐसे चार्ट पैटर्न से ही आपको ये समझ आता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसके दम पर काफ़ी बढ़िया ये कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि एक्सेल के अंदर ये कंपनी बहुत बढ़िया मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले क्वार्टर्स की बात करें तो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग 2020 से कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डिक्लाइन थोड़ा सा 2021 में हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर से ये काफ़ी अच्छे नंबर के साथ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली पिछले 8 से 10 क्वार्टर में बराबर मजबूती के साथ ऊपर भाग रहा है और उस प्रॉफिट के साथ ये कंपनी काफ़ी बढ़िया नंबर के साथ अचीवमेंट दिखाते हुए मार्केट के अंदर जो शेयर पैटर्न आपको इसके नज़र आ रहा है ना, उससे आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी भागती हुई नज़र आ रही है। पिछले 2-3 सालों की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 16, 19, 25 और 51 इस हिसाब से इसके नंबर्स दिखाई दिए हैं। और यही 4 साल के अंदर चार्ट अगर आप देखें तो 27 रुपये का शेयर 300
और 400 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो इस बात की गवाही देता है कि मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस शेयर के अंदर।